लेसन पता चला ना वही था कि तवक्कल की गेम स्ट्रांग रखनी है, ये अल्लाह ही है जो हादसा से बचाता है। तैयारी तो सिर्फ एक मींस है जो कि हमें करनी चाहिए, लेनी चाहिए, लेकिन तवक्कल की बहुत, यानी मेयर्स लेने चाहिए लेकिन मेयर्स पे रिलायंस जो है ना बहुत ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए। सही, असल में हमारी रिलायंस शायद या लोगों की हो जाती है उनके यानी जैकेट्स पे और उनके पंचर किट्स पे और गियर पे और बाइक की रिलायबिलिटी पे और क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे, लेकिन ये शिफ्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि तवक्कुल असल में क्या है। अगर हम इमाम राघब इस्फहानी और शेख जरजानी रहमतुल्लाह बहुत सारे उलमा पे लिखते हैं कि जो आपका दिल की आंखें हैं ना, ये अल्लाह को देख रही हूँ, ये आपके बाइक की क्वालिटी को ना देख रही हूँ, ना आपके पास जो पैडेड जैकेट्स हैं उनको ना देख रही हूँ, ये अल्लाह को देख रही हूँ, ये अभी तारीफ ना देख रही हूँ। सही, नॉट रिलाइंग अपॉन पीपल। इवन ये तो ट्रिप की बात कर रहा हूँ मैं, आम लाइफ में आपने सी वी किसी को डाली है ना ऑफिस में, सी वी किसी को ई मेल की है, डोंट लुक एट द बॉस, लुक एट The boss of the boss. सही बात, अल्लाह सुभान सही बात। और पता है क्या होता है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ता है इसके बारे में। अगर आपने असबाब बहुत सारे इख्तियार कर लिए हैं तो अननोइंगली ये जो फीलिंग है ना, ये स्वीप इन कर जाएगी आपके हार्ट में। सही। और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप असबाब पे ज्यादा रिलाई करना शुरू कर देंगे ना, तो अल्लाह ताला पे रिलाई करने के लिए ना आपको कॉन्शियस एफर्ट चाहिए होती है। दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि ना जिंदगी में मुश्किलात का फलसफा ही ये है, तवक्कल बंदा सीखता है मुश्किलात में। मतलब आई बिलीव दिस, मैं आपको बताता हूँ। मैं कश्मीर हाईवे पे आज जब आ रहा था, अच्छा एक वो डाला जो होता है वो पीछे उसके स्पेस होती है कुछ चीज़ें रखने की, हाइलक्स हिलक्स के जो भी है वो, उसमें एक लड़का पीछे बैठा हुआ गुमसुम सा, मजदूर था, मजदूर तबके से था, और मुझे उसने सोचों में गुम आया। मैंने उसकी आंखों में ना एक वो चीज़ देखी जैसे वो ये सोच रहा है कि आज मैं क्या करूँगा, आज की दिहाड़ी कहाँ से आएगी, क्या होगा, वो एक सफ़र पे जा रहा है। दैट मेड मी थिंक कि यार ये लड़का ये सीख रहा है कि अल्लाह ताला राज़िक है, मेरा आज का इंतज़ाम अल्लाह करेगा। मुझे ना उसमें वो चीज़ नज़र आ रही थी, एक मज़दूर के पास आप बैठे ना, कभी कभी बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर जाते हैं। बात है। ये मैंने खुद ड्राइवर टाइप तबका, मजदूर टाइप तबका, ये फ्रूट बेचने वाले, आप इनसे कभी गुफ्तगू करें, सही कह रहे हैं, देखे रेडियां साथ लगाई होती हैं, लेकिन वो तवक्कल है तवक्कल कि भाई मेरे जो किस्मत में आज है वो मुझे मिल जाना, ये कॉम्पिटिशन नहीं है मेरा इधर उधर ये वो, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे देना है। तो कभी कभी ना मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा तवक्कल इनका, बिल्कुल क्योंकि हमने तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने तो या तो कुछ पढ़ा हुआ है या उनके पर्सनल लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस नहीं होते। मजदूर तबके की तो रोजाना की रोजी डिपेंड कर रही है उसके तवक्कल पे ना, बड़े बल्कि पढ़े लिखोगे तो ज्यादा दिमाग शिफ्ट करता है इस तरफ कि हमने ना सेल्फ मेड बनना है, यू नो। और ये दिस वर्ड सेल्फ मेड इज नॉट अ राइट वर्ड कि वो बंदा बड़ा सेल्फ मेड है, भाई सेल्फ मेड कौन है इस दुनिया में, सबको अल्लाह ताला ने बनाया है। अच्छा, अक्सर लोग हमें मुसलमान सोचते हैं कि तवक्कल ऑप्शनल है, तवक्कल करें ना करें ठीक है, जैसे नमाज फर्ज है तवक्कल फर्ज नहीं है। हालांकि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं तवक्कल जब पूछा गया उनसे, कहते हैं फइन्ना तवक्कल अल्लाह तआला वाजिबुन मिन आज़मी वाजिबात दीन, कि तवक्कल जो है ना वो अल्लाह पे करना वाजिब है, मिन आज़मी वाजिबात दीन, जिस तरह से दीन के बड़े बड़े वाजिबात हैं, कैसे कहते हैं कअन्नल इखलास लिल्लाह तआला वाजिब, अल्लाह के लिए इखलास वाजिब है ना, सिंसेरिटी, इसी तरह से तवक्कल भी अल्लाह के लिए, क्योंकि अगर आप तवक्कल कोई नहीं कर रहा इसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली अपने असबाब और अपनी एफर्ट पे रिलाई कर रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला को आप अपने मैटर्स की इक्वेशन से बिल्कुल ही निकाल दें। बिल्कुल, तो इट्स पॉसिबल। और जो अपने असबाब पे यानी कम्प्लीटली रिलाई करता है ना, असबाब का इस्तेमाल करना ये बहुत डिफरेंट बात है। मैं आपको एक वाक्य छोटा सा बताऊँ, बल्कि एक्सट्रीम्स हम बता देंगे। हाँ, मैंने ना मेरा वॉलेट एक दफ़ा ना गायब हो गया, बिल्कुल था ही नहीं, घर में देखा, गाड़ी में देखा, मस्जिद में आया था नमाज पर, वहाँ देखा, कहीं नहीं मिला मुझे, एंड आई वाज लाइक कहाँ पे है। लेकिन उस टाइम क्या कोई ईमान की ताजगी थी या क्या था, मैंने कहा दुआ की, मैंने अल्लाह से यकीन के साथ मैंने कहा अल्लाह तो मुझे देगा, मुझे पता है। अच्छा, उस टाइम ना दिल में तसल्ली भी थी और सारा, मैंने कहा मुझे पता है मिलेगा, आई वॉज नॉट इंटेंस, यू नो। घर वाले ने कहा ढूंढने भाई, दो दिन गुजर गए, तैसे तीन दिन गुजर गए, चार दिन गुजर गए, वॉलेट मेरा नहीं मिला मुझे, उसमें कैश भी था, मेरा आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ था। इधर मस्जिद बैठा हुआ दुआ कर रहा है, या अल्लाह तू तेरे लिए क्या मुश्किल है, ढूंढ दे या मुझे दे दे। मुझे ख्याल है अबे तू मस्जिद ही बैठा रहेगा या तू घर भी ढूंढता रहेगा तो शायद वॉलेट ना मिले तुझे, असबाब का इस्तेमाल करो। अच्छा, फिर मैंने कहा ओके ठीक है ना, असबाब का इस्तेमाल करना तो शर्त है और तब अल्लाह पे करना। लेकिन वो जो टाइम था ना, मैंने मुझे अंदर से मुझे इंटरनली याद है कि मेरा जो रिलायंस थी ना वो अल्लाह पे थी उस टाइम, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा मैं उस दिन कहाँ गया था, सेंटोरस गया था, फिर वापस आके मैंने टोकन जमा कराए थे गाड़ी के और वापस आया था। मैंने कहा हाँ मैंने टोकन जमा कराया था, मुझे वॉलेट निकाला था वहाँ से, मैंने
अच्छा मैंने गाड़ी पकड़ी वहीं असर की नमाज पढ़ी थी, मैंने वहाँ चला गया सीधा वहाँ पे। अच्छा इट्स वॉर लाइक सेवन डेज, अच्छा तकरीबन सेवन डेज हो गए थे, ठीक है, वॉलेट नहीं था मेरे पास। मैं वहाँ पे गया और मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम जी, 7 दिन पहले मैं आया था और मैंने यहाँ पे टोकन जमा कराए थे और ये टाइम था, तो क्या सीन है, मतलब कुछ आपको मिला, मेरा वॉलेट गुम हुआ है, मुझे नहीं पता किस कहाँ गुम है, किसी ने निकाल लिया है, मैं जस्ट इनके साहब के पास आया हूँ। उसने कहा शक्ल देखी, उनका बैठे ज़रा। मैंने कहा बिठा क्यों रहा है मुझे, कह दो नहीं है, ठीक है बिठाओ क्यों रहे हो। मैं वेट करता रहा, लोग टोकन अपने फिल कर देते, तो मुझे उसने बोला आए, कोने पे गया और कहा कि किस तरह का वॉलेट था। मैंने कहा ऐसे ऐसे था, क्या कितने पैसे थे। मैंने कहा इतने, नाम क्या आपका, ये था। कहते यार आप अजीब बंदे हैं। मैंने क्या हुआ, कहते 7 दिन हो गए यार आप यहाँ छोड़ गए अपना वॉलेट और आप आए ही नहीं। कहते और मैंने, और उसने क्या कहा, मैंने आज इरादा किया हुआ था कि अगर आज बंदा ना आए ना, क्योंकि हफ्ते का टाइम था, मैं ये आईडी कार्ड डालूंगा पोस्ट ऑफिस वाले जो एक उसमें, और मैं ये पैसे सारे दूंगा सदका में किसी मस्जिद में, और मैंने ये दे देना था सब कुछ, लेकिन आज अब आ गए। तो आई वाज लाइक सुभानअल्लाह। तो वो मुझे एक लाइफ मोमेंट याद है कि जिसमें आई रियली पुट माय ट्रस्ट इन अल्लाह सुभान व तआला। बहुत सारी जगह पे नहीं भी होता, अल्लाह माफ करे। इब्ने तैमिया ने तो पूरी बुक लिखी है रिलीफ फ्रॉम डिफिकल्टीज, कलामुल्लाह पे है वो, मैंने पढ़ी थी 2015 में। एक बड़ा स्टेट मेरी थी, थोड़ी सी डाउन थी, किसी ने कहा ये बुक पढ़े। अच्छा वो पूरी किताब ना इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। और उसमें उन्होंने तवक्कल को डिफाइन किया कि तवक्कल है क्या, और वो किताब पढ़ के मुझे जो वेकअप कॉल आई थी ना कि वी आर ज़ीरो, हम ज़ीरो पे स्टैंड करते हैं, हमारा तवक्कल है कि नहीं है अल्लाह पे, ये एक बिग क्वेश्चन है। क्योंकि तवक्कल इज़ लाइक दैट कि आप एक क्लिफ पर खड़े हैं और आप जंप कर देते हैं इस बिलीफ में कि अल्लाह मुझे पकड़ लेगा। ये एक एग्जांपल है तवक्कल की, रियल में नहीं ऐसे करना ऑब्वियसली, ये सिर्फ एक समझाने के लिए मिसाल है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने 2011 में जॉब छोड़नी थी, यूएई में ऑयल एंड गैस फील्ड में था मैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मेरी सैलरी थी। बहुत कन्फ्यूज़ हुआ, मैंने अपनी सारी चीज़ें सामने रखी जी, ये इसके प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, मैं करना ये चाहता हूँ, विजन ये है, गोल्स ये हैं, वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली वो शैतान की तरफ से ना पैसे वाला फिर एक वो आता है वसवसा कि नहीं कैरियर जॉब है, वहाँ जाके क्या करोगे, जॉब मार्केट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उस टाइम पे इस्तखारा करके, और इस्तखारे का जो मीनिंग था वो मैंने बहुत डेप्थ में उस टाइम पे पढ़ा कि यार इस्तखारे की दुआ का मीनिंग क्या है असल में। वो जब मीनिंग मैंने देखा ना, अच्छा मेरे दिल को इतना सुकून मिला कि यार अल्लाह ताला पे तवक्कल कर लो। यार वैसे इस्तखारे वाली दुआ की बात आपने की है ना, यार ये जो दुआ है ना, हाँ जी, सो अमेजिंग है, अमेजिंग। मैं तो जब भी इस्तखारा करता हूँ ना, मैं तो एक से ज्यादा बार पढ़ता हूँ, और बार बार एक एक आप वर्ड पे रुकते हो ना और उसको जरा समझते हैं कि यार जब आपने ये कह दिया कि तू जानता है सब कुछ, हाँ, और मैं नहीं जानता, यही तवक्कल है ना कि भाई मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ अल्लाह ताला, आप सब जानते हैं। लेकिन अफसोस के बाद लोग दूसरों से इस्तखारा कराते हैं, मतलब बदकिस्मती है कि इस दुआ से महरूम है भाई, इसी दुआ से क्या पता आप अल्लाह के करीब हो जाएं। लोग कहते हैं मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं कहाँ से इस्तखारा कर लूँ, यही तो चांस है, इस्तखारा करोगे करीब हो। वैसे वो एक बार आप दुआ पढ़ते हैं अगर समझ के, तो आप उसी वक्त ईमान की ताजगी फील करते हैं, कितनी स्ट्रेंज सी फीलिंग। और अल्लाह गवाह है माशाल्लाह माशाल्लाह के पैसे की फिक्र कभी नहीं है। ये डर था जी इधर आके उतना नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, रेडी होती है जॉब माशाल्लाह। अगर नजर आ रहा है ना एक जा रही है, दूसरी रेडी होती है प्लेट में, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया। इसी चीज का तो वादा है, आखिरत का तो नहीं है ना, आखिरत का तो मखसूस लोगों से वादा है, इसका वादा तो सबसे है।